वेलकम बैक दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वशीकरण के इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत सारे समाधान लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा ही समाधान, जिससे कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी में बहुत सारी अड़चने लेकर आ रहा है, बहुत सारे आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा उपाय जिससे आप अपने दुश्मन का सर्वनाश कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे करने का तरीका बेहद आसान है। तो क्या है ये तरीका और क्या होगा इसका मंत्र, इसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस उपाय को अगर आप अपने पुराने प्रेमी पे करना चाहते हैं, या फिर आपको किसी ने धोखा दिया है, आप उससे बदला लेना चाहते हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां लेकर आ रहा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं उनसे बदला लेने के लिए। ध्यान रखिए दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले अच्छी तरीके से सोच लें, अच्छी तरह से आपको ये अपने दिमाग में बिठा लेना होगा कि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। जो भी इंसान आपका बुरा कर रहा है, आप सिर्फ उसको शांत करने के लिए या फिर उसको अपनी जिंदगी से निकालने के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा प्रचंड उपाय है। इसे करने से आपकी जिंदगी से वो व्यक्ति हमेशा के लिए चला जाएगा और कभी पलट के आपकी तरफ नहीं देखेगा। तो दोस्तों इस उपाय को कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको लेना है एक नींबू और आपको लेनी है एक छोटी कील। नींबू के अंदर आपको कील को लगाना है, उसके बाद आपको नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का नाम लिखना है। काले पेन से आपको अपने दुश्मन का नाम नींबू पर लिखना है और दोस्तों उसके बाद कील लगे हुए उस नींबू को आपको शमशान घाट पे जाकर जला देना है। जी हाँ दोस्तों, जलाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, आपको इसे कैसे जलाना है ये भी ध्यान रखना होगा। नींबू को आपको जब आप शमशान घाट में पहुंचेंगे तो नींबू को आपको बीच में से काट कर उसके अंदर सिंदूर लगा देना है और उसके बाद आपको उसके चार टुकड़े करने हैं। सिंदूर के चार टुकड़े करने के बाद आपको उसे अग्नि देव को दे देना है, यानी कि आपको अग्नि को समर्पित कर देना है। इसके लिए दोस्तों आप वहां पर कागज ले जा सकते हैं, यानी कि आपको 5-6 कागज ले जाने हैं और उन कागज को जलाना है और उस टाइम उस सिंदूर लगे हुए नींबू को उस कागज के ऊपर रख देना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे वो नींबू जलेगा आपकी जिंदगी से दुश्मन का खात्मा भी होता जाएगा। एक दुश्मन पर आपको ये उपाय एक बार ही करना है, इसे बहुत बार ना करें दोस्तों, एक बार में ही आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मंत्र क्या है जो आपको उस समय पढ़ना होगा जब आप नींबू पर सिंदूर लगा रहे होंगे, इस मंत्र को जानने के लिए दोस्तों हमारे नंबर पर कॉल लगाइए, हम आपको बताएंगे वो मंत्र जिसकी सहायता से आप अपने दुश्मन का खात्मा कर पाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।